खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ सर, आप दोनों में कौन सच्चा कौन झूठा कौन सही कौन गलत ये जनता डिसाइड करेगी। और आप दोनों का टाइम स्टार्ट करती हूँ मैं। आप इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर फारूक ने सीधा कह दिया ये कौन है असद ओवैसी, एक एमपी है, वो पैरोकार कब से हो गए, वो अलमदार कब से हो गए सारे मुसलमानों के। नहीं नहीं देखिए, एक तो डॉक्टर फारूक साहब को बहुत गलत फहमी ये हो गई है कि हम ये दावा कर रहे हैं कि असद अवैसी साहब पूरे मुल्क के मुसलमानों के आवाज बने हैं। एक बात हम चाहते हैं कि अवैसी साहब नहीं, मैं तो चाहूंगा कि फारूक साहब क्यों बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई बन रहा है तो फारूक साहब जैसे लोग हैं जिनका काम बस यही रह गया है कि कोई अगर एक आवाज उनके कौम के बारे में रहा तो फारूक साहब जैसे लोगों का काम यही है कि उन्हें नीचे खींचना। दूसरा मुझे आप रुपए का दिन मैं बात बताना चाहता हूँ, मुझे आप जैसी गंदी सियासत जी करनी है, सब इज्जत हम सब करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि फारूक साहब आप बने, आप लोगों को शर्म आप बने, आप बने मुसलमानों की आवाज आप बने, आप होंगे और भूखे बनकर बैठे हैं, इसीलिए हमें बोलना पड़ रहा है। आप फारूक साहब हम आपके जैसे गुंगे और मुक्के बनकर बैठने के लिए नहीं आए हैं। जो हमें बोलना है हम बोलेंगे और बराबर बोलेंगे, लेकिन आपके कानों के अंदर रस बोलने के लिए नहीं बोलेंगे हम। आपको हमारे लिए अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आपको पसंद हो ना पसंद हो, और आप जैसे लोग सिर्फ मीडिया के स्टूडियो में बैठ कर अपना बाग 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 डॉक्टर फारूक, डॉक्टर फारूक इम्तियाज जलील, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, पूरा पूरा कायदे से आप दोनों को सुन रही थी। बड़े दिनों बाद डॉक्टर फारूक की बातों में दम लग रहा है मुझे, बड़े दिनों बाद मुझे लग रहा है डॉक्टर फारूक किसी एजेंडा के तहत काम नहीं कर रहे हैं। इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील, आप अपनी धड़कनों को थामिए अभी, इम्तियाज जलील अपनी धड़कनों को थामिए अभी और रुकिए, कायदे से मेरी बात सुनिए। क्या मतलब कि जो हमारे मन में आएगा हम करते चले जाएंगे, क्या मतलब है इसका, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों करते नहीं बोला, डरते नहीं आप, डरते नहीं मैं आपको, आप डरते नहीं, और हिंदुस्तान में नैरेटिव ये बताएंगे आप, हिंदुस्तान में परसेप्शन ये क्रिएट करेंगे कि मुसलमान डरा हुआ है। जो बोलना है, अरे शर्म कीजिए सर, शर्म कीजिए, आपको विरोध करना है तो मोदी की पॉलिसी का विरोध कीजिए, आपको विरोध करना है तो पार्टी का विरोध कीजिए, आपको विरोध करना है तो नेताओं का विरोध कीजिए। आप क्या मुसलमानों की आड़ में खड़े होकर, आप मुसलमानों की आड़ में छिप कर और ये कह रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, मोदी को क्यों लेकर आ गए हैं। कौन कह रहा है कि मुसलमान, नहीं नहीं, किसने कहा, किसने कहा इस मुल्क के अंदर संविधान की आड़ में हम भी उतने असद ओवैसी की बात सुनाई नहीं देती आपको, क्या मतलब है इसका कि किराएदार नहीं है हम, हिस्सेदार हैं। खान साहब है, किसने कहा आपको किराएदार, किसने कहा आपको किराएदार। हाँ हम यही बताना चाह रहे, खुद कहा आपने, खुद ने कहा था कि गिरिराज जैसे लोग जो है अब ये इतने चौड़े हो जाएंगे, इतने चौड़े हो जाएंगे कि अब तो 300 सीटें मिल चुकी है। आप जिस दिन ये शपथ ले रहे थे उसी दिन मध्य प्रदेश के अंदर रूबिका जी क्या हुआ है, आपने अपने चैनल के ऊपर दिखाया है। आपको कैसे पता कि गिरिराज क्या बोलेंगे, आज के बयान को क्यों नहीं आप नोटिस कर रहे हैं, बोलिएगा आज के बयान को क्यों नोटिस नहीं कर रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, मोहसिन रजा साहब पूछिएगा, गिरिराज के उपाग्रह में खत्म कर देंगे आप हिंदुस्तान की गंगा जमीन तहजीब को। इम्तियाज जलील साहब, एक से दो हुए हैं तो इतना गुमान मत कीजिए कि जो आप कहेंगे वही सही होगा। अब रुक जाइए, आप और कायदे से सुनिए, मोहसिन रजा अपनी बात रखेंगे ना, गिरिराज सिंह पर बात सुनना चाहते ना, सुनिए मोहसिन रजा साहब। जब करते रहे मोदी 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 नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो ये जब करना भी छोड़ दीजिए ना कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान किरायेदार है, मुसलमान को भरोसा नहीं कर रहा है, मुसलमान मोदी से बहुत डरा हुआ है, ये सब जब करना छोड़ दीजिए ना। नहीं, और मैं आसद ओवैसी का फैन नहीं हूँ, समझे, मैंने देखा है आपकी सियासत का, आपकी सियासत का अंदाजा क्या है और लेवल क्या और आपकी तकरीरें क्या है। अब बरूदी ओवैसी की तकरीरें सुनता हूँ तो दिल में चोट पहुँचती है मेरे। आप जैसे लोगों से मुझे नफरत है, जो लोग धर्म को लाते हैं डॉक्टर फारूक रुकिए, इम्तियाज जलील साहब रुकिए, रुकिए, आप दोनों रुक जाइए, मौका दिया ना सर मैंने, रुक जाइए, ओके ओके बढ़ा रहे आप, ओके ओके रुक जाइए। मोहसिन रजा साहब, ये तो फिर शुरू हो गया है सर, ये हिंदू मुसलमान। अभी तो सरकार ने शपथ नहीं ली, कैबिनेट मंत्रियों ने कार्यभार नहीं संभाला और रूबिका लियाकत को यहाँ एक बार फिर से आकर बहस करनी पड़ रही है। असद ओवैसी है तो 2 MP, लेकिन 300 MPs को लेकर बड़ा खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में। देखिए, क्योंकि इनको उस तरह की सियासत सूट करती है और इन्हें यह पता है कि आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास करेंगे, जैसे उन्होंने पिछले 5 साल किया है, और अब उसमें उन्होंने ऐड किया है हम सबका विश्वास भी जीतेंगे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को, इन जैसे लोगों ने डरा कर रखा हुआ था, जब उनको हम गरीबों को मकान देंगे तो मकान में सभी को मकान मिलेंगे, अगर हम किसी के घर में बिजली जलाएंगे तो सारे गरीबों के घर जलेगी, अगर किसी के लिए स्कूल खोलेंगे तो उसमें सारे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, तो हम अगर कोई भी योजना लाएंगे उसमें सबका साथ सबका विकास होगा। इसलिए ये घबरा रहे हैं कि 5 साल उधर निकल गए तो कोई बार्गेनिंग करने को मिली नहीं, अब 5 साल ये निकल जाएंगे तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी, ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, इन्हें किसी से कोई गरीब से कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये इस बात का साफ सुथरा सा ये जो स्टेटमेंट है ये उसी तरफ ले जाता है, और इन्हें इस तरह की राजनीति सूट करती है। अब ये सूट नहीं करती है तो 2 MPs हो गए ना, जवाब दीजिए जलील साहब। रूबिका जी रजा साहब ने पहले जब शुरुआत किया था तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का इन्होंने क्या ठेका लेके रखे हैं ओवैसी साहब का। नहीं रजा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोगों ने मुसलमानों का ठेका नहीं लिया है, इस वजह से मजबूरन हमें मुसलमानों के लिए खड़े रहना पड़ रहा है। मैं तो चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि घर बनेगा तो सबके लिए बनेगा, अरे रजा साहब 130 करोड़ लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र से हमने यही तो प्रॉब्लम है ना साहब, यही तो प्रॉब्लम है आपका कि आप लोकसभा तक नहीं आना चाहते, आप खुश हो गए मेरे को मंत्री पद मिल गया, उतारा भी है रजा साहब, आप जैसे नेताओं का यही तो प्रॉब्लम है कि मोदी ने मुझे मंत्री पद दे दिया, मैं मंत्री बन गया, अब ऐसी की तैसी कौम की ऐसी की तैसी, मैं मंत्री बन गया, मोदी जी ने मुझे दे दिया, अब 5 साल मेरा काम जी, नहीं जी, है मोदी, आप जैसे लोग आपको सूट करना होगा, सूट करता है आपको, सूट करता है ओवैसी साहब को और आपकी पार्टी को सूट करता है ये। चलिए 5 साल आप मोदी का जप करते रहिए साहब, बिल्कुल आपको तो मंत्री पद मिल गया है, मैं तो चाह रहा था कि लोकसभा के अंदर बीजेपी भी अच्छे से लड़ाएगी और कहेगी कि हां सब को हम साथ लेकर जाएंगे लोकसभा तक, इंशाल्लाह मोदी जी ही आएंगे और इंशाल्लाह मोदी जी आगे भी आएंगे, हम आपसे बता रहे हैं जो ईमानदारी से देश में काम करेगा वही उसी को जैसे नेता रहेंगे तो बिल्कुल आएंगे, आप भूल जाइए आप जैसे लोग रहेंगे तो बिल्कुल आएंगे, मोदी जी हिंदुस्तान की सत्ता पर दिलों को जीत कर आए, लोग रहेंगे जो सिर्फ दिलों को जीत कर आए हैं, नफरत फैलाकर नहीं आए हैं, नफरत फैलाने का काम ओवैसी साहब जैसे लोग करते हैं, आप लोग जैसे नेताओं की वजह से तो बिल्कुल आएंगे रजा साहब, कैसे आ जाएंगे, जो मंत्री फॉर्मूला बताइए, आप जैसे नेताओं की वजह से कैसे आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर मोहसिन रजा पर मुसलमान भरोसा कर रहा है, इम्तियाज जलील पर नहीं कर रहा है। अगर मोहसिन रजा जैसे नेताओं की वजह से मोदी आ रहे हैं तो इसका मतलब कौम मोहसिन रजा के साथ है, आपके साथ है नहीं, और चूंकि आपके साथ नहीं है तो क्या किया जाए, चलो डराया जाए मुसलमानों को, चलो डराया जाए। अरे सोचिए, 2 MPs हैं आप, पूरी सरकार को यहाँ खड़े रहकर चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मनमानी नहीं चलेगी, कौन मनमानी कर रहा है, अब मुझे एक एक सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप शुरू कीजिए 23 मई 2019 से, ठीक है 2014 में मत जाइएगा, 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है इम्तियाज जलील साहब, जब आप MP बन गए, बढ़िया दिनों की बात कीजिए, ठीक है जब आप MP बन गए 2019, 23 मई के बाद मुझे एक ऐसा
एक ऐसा बयान बता दीजिए जहां पर मुसलमानों को ये लगे कि उफ खुदाया एक बार फिर से आ गए ये लोग, अब हमें जीने नहीं देंगे। एक आदमी बीजेपी का, एक कार्यकर्ता बीजेपी का, एक मंत्री बीजेपी का बता दीजिए। रुबेका जी सरकार बनी और सरकार बनने के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के अंदर एक नौजवान लड़के को जिस तरह से पीटा गया सिर्फ गोश के नाम के ऊपर, क्या अच्छा। उसका समर्थन करेंगे? रजा साहब से ये जवाब उनसे लीजिए ना। आप मुझे बताइए ये सब चल रहा है, ये क्राइम है, उनसे पूछिए, ये क्राइम है ना, उसमें ये क्राइम है। आप कमलनाथ से पूछिए कि आप इसका समर्थन करते हैं, ये क्राइम है। आप कांग्रेस के सीएम कमलनाथ से पूछिए, आप मुझे, मैंने आपसे कहा बीजेपी के नेता का नाम बताइए जिसने मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की। मैं कह रही हूँ, मैं महज एक कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए मुझे, इम्तियाज जलील साहब, मैं बहस यही खत्म कर दूंगी।